बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है द वाइड पॉइंटर। ठीक है, और वाइड पॉइंटर को ही एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक प्रोग्राम इस्तेमाल करूंगा आपकी बुक में से, प्रोग्राम 11.3। सॉरी, अच्छा जी, लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने पॉइंटर्स की डिक्लेरेशन देखी थी, और पॉइंटर्स के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर किया जाता है, यानी एड्रेस किस तरह से स्टोर किया जाता है, और उसे वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले करवाया जाता है। जब हम पॉइंटर की डिक्लेरेशन करते हैं तो पॉइंटर्स की डिक्लेरेशन करते वक्त हम लोग डाटा टाइप जो है उसका ख़ास तौर पर ध्यान रखते हैं। हम हमेशा उस डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए जिसका हमने एड्रेस जो है वो उसके अंदर स्टोर करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस जो है किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाना है तो हम लोग हमेशा इंटीजर पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है द वॉइड पॉइंटर। द वॉइड पॉइंटर जो है ये भी पॉइंटर की एक टाइप है, लेकिन इसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शन जो है डेटा टाइप की वो खत्म हो जाती है। यानी अगर आप इसके अंदर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना चाहें तो वो भी स्टोर करवाया जा सकता है, किसी फ्लोट का एड्रेस स्टोर करवाना चाहें वो भी स्टोर करवाया जा सकता है, और यहां तक कि करेक्टर का एड्रेस स्टोर करवाना चाहें तो वो भी स्टोर करवा सकते हैं। यानी आप इसके अंदर जिस वेरिएबल का चाहें उसका एड्रेस जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो इसकी थ्योरी जो है वो थोड़ी वो देख लेते हैं। द टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल इट रेफरेंस मस्ट बी सेम। It restricts the use of the pointer variable to specify the type of variables. A pointer variable can store the address of any type of variable if it is declared as a void. वो कह रहा है कि हम जब भी किसी pointer variable को बनाते हैं या फिर किसी variable का address उसके अंदर store करते हैं तो दोनों की data type जो है same होना जरूरी था। लेकिन अगर हम किसी pointer variable को void declare करते हैं, यानी उसके अंदर void data type को इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर आप किसी भी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। द कीवर्ड void इज यूज एज द डेटा टाइप ऑफ द पॉइंटर, और void को एज अ डेटा टाइप इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बुक की एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे 11.3। यहां पर नंबरिंग थोड़ी सी जो है मेरे से आगे पीछे हुई हुई है, 11.2 नहीं है ये, एक्चुअल में आपकी बुक के ऊपर 11.3 है ये। अच्छा जी, ये मेरे पास प्रोग्राम है आपकी बुक वाला। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है, उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, फिर हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल n है, फिर एक फ्लोट वेरिएबल f है, और उसके बाद एक करेक्टर वेरिएबल है। यानी कि तीन डिफरेंट डाटा टाइप के वेरिएबल्स मौजूद है। उसके बाद यहां पर मेरे पास void डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया। अब void जो है यहां पर एज अ डेटा टाइप इस्तेमाल की जा रही है। void डेटा टाइप क्यों इस्तेमाल की जा रही है? void डेटा टाइप इसलिए इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि इसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर मैं इंटीजर का एड्रेस भी स्टोर करवा सकता हूं अगर चाहूं तो, अगर चाहूं फ्लोट का एड्रेस भी स्टोर करवा सकता हूं, और अगर चाहूं तो करेक्टर का एड्रेस भी स्टोर करवा सकता हूं। अगर मैं ये डेटा टाइप void ना रखता तो मुझे यहां पर तीन पॉइंटर वेरिएबल्स बनाने पड़ने थे। एक पॉइंटर वेरिएबल मुझे इंटीजर बनाना पड़ना था, एक मुझे फ्लोट बनाना पड़ना था, एक मुझे करेक्टर जो है वो डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ना था। इंटीजर वाले के अंदर इंटीजर का एड्रेस स्टोर होना था, फ्लोट वाले के अंदर फ्लोट का एड्रेस स्टोर करवाना था, और करेक्टर वाले के अंदर करेक्टर का एड्रेस स्टोर करवाना था। क्योंकि मैंने यहां पर डेटा टाइप void इस्तेमाल कर ली, void डेटा टाइप इस्तेमाल करने से क्या होगा कि अब इसके अंदर मैं जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना चाहूं मैं स्टोर करवा सकता हूं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो करेक्टर हो, या किसी भी डाटा टाइप से ताल्लुक रखता हो, उसके अंदर आप एड्रेस जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर मैं पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर के अंदर वेरिएबल एन का एड्रेस स्टोर करवा रहा हूं जो कि एक इंटीजर डाटा टाइप है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूं जिसके अंदर मैं एन की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा हूं, और सेकंड सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं एन के एड्रेस को इस पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा हूं। ठीक है,
फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर इसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैं एड्रेस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए या फिर रेफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए एफ को स्टोर करवा रहा हूँ, वेरिएबल एफ के एड्रेस को यहाँ पर स्टोर करवा रहा हूँ, जो कि फ्लोट डेटा टाइप से ताल्लुक रखता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाया था और कुछ स्टेटमेंट्स के बाद में इसी के अंदर फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा रहा हूँ। तो इसी तरह मैं वेरिएबल f की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाऊंगा, फिर उसका एड्रेस डिस्प्ले करवाऊंगा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि मैं इसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर करेक्टर c वेरिएबल यानी कि c वेरिएबल का एड्रेस जो है स्टोर करवा रहा हूं, जो कि करेक्टर डेटा टाइप से ताल्लुक रखता है। तो इसी तरह c की वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी और c का एड्रेस डिस्प्ले होगा। अगर मैं इस पॉइंटर वेरिएबल की डेटा टाइप void ना रखता तो सेम यही प्रोग्राम जो है या सेम यही आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे तीन जो है वो पॉइंटर वेरिएबल्स बनाने पड़ते। एक के अंदर मैं इंटीजर डेटा टाइप यानी इंटीजर वेरिएबल n का एड्रेस स्टोर करवाता, दूसरे के अंदर मैं फ्लोट वेरिएबल f का एड्रेस स्टोर करवाता और तीसरे के अंदर मैं करेक्टर वेरिएबल c का एड्रेस स्टोर करवाता। जबकि मैंने अगर पॉइंटर की डेटा टाइप जो है वॉइड रख दी तो मैं इसी सेम एक पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल डेटा टाइप्स के वेरिएबल का एड्रेस जो है इसके अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। लेकिन एक चीज जो है आपने जहन में रखनी है कि ये पॉइंटर वेरिएबल एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू ही स्टोर करने की सलाहियत रखता है। यानी यहां पर अगर मैंने इसके अंदर इंटीजर वेरिएबल n का एड्रेस स्टोर करवाया तो यहां तक इस स्टेटमेंट के अंदर वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद जब मैं इसे ओवरराइट कर रहा हूं तो जो वेरिएबल इंटीजर n है उसका एड्रेस खत्म हो जाएगा, उसकी जगह यहां पर फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा। ओवरराइट करने से पहले से मौजूद वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है और नई वैल्यू स्टोर हो जाती है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तीनों वैल्यूज इसके अंदर एट द सेम टाइम मौजूद रहें। इसके अंदर तीनों वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं लेकिन बारी बारी। पहले आप एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करवाएं, उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा लें, फिर आप जो है एक फ्लोट का एड्रेस स्टोर करवाएं, उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएं और एंड पे करेक्टर का एड्रेस स्टोर करवाएं और उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा लें। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। पहले मैंने इसे कंपाइल कर लिया, अब हम इसे रन करते हैं। द वैल्यू ऑफ 10, ठीक है, आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, फिर n वेरिएबल का एड्रेस जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद f की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, f का एड्रेस जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, इसी तरह c की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और c का एड्रेस जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ये टॉपिक आप लोग इसके अंदर इन तीन डेटा टाइप्स के अलावा जो है फर्दर जो डेटा टाइप्स मौजूद हैं उनके एड्रेसेस जो है वो स्टोर करके